एवरीवन और स्वागत करते हैं आप सभी का अड्डा 247 पर। और जैसा कि आप देख रहे हैं महा खुशखबरी है, स्टेट लेवल के एग्जाम की अगर बात करें, स्टेट पीसीएस की बात करें तो झारखंड पीसीएस और बिहार पीसीएस का एग्जाम अब अड्डा 247 लाइव कराएगा। उसके बैचेस लाइव होंगे, उसके क्लासेस यूट्यूब पे मिलेंगे। और प्रभाकर झा और शिवप्रिया झा सर को हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने बिहार पीसीएस और झारखंड पीसीएस को बहुत करीब से देखा, इसकी एग्जामिनेशन दिया, अभी भी रेगुलर चल रहे हैं इन लोगों के, तो इनको बहुत जबरदस्त आइडिया है बिहार पीसीएस का और झारखंड पीसीएस का। तो हम आपको बता दें कि ये एक बेहतरीन सेशन होने वाला है। जल्दी से इस सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए अपने लोगों के साथ, लोगों तक पहुंचाइए। प्रभाकर झा सर कुछ टेक्निकल एरर की वजह से जुड़ नहीं पा रहे, इसीलिए शायद हमारा सेशन भी लेट हो गया है। तो एक शानदार, एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके सामने बिहार पीसीएस झारखंड पीसीएस आने वाला है। शिवप्रिया झा सर आप हमारे साथ हैं, आप बिहार से ही बिलोंग करते हैं और आपने बिहार पीसीएस का एग्जाम रिसेंटली दिया हुआ, इस बार का भी मेन शायद लिख रहे हैं, तो क्या बताना चाहेंगे बिहार पीसीएस बच्चों का कैसे सिलेक्शन होगा और झारखंड पीसीएस के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम स्टूडेंट एंड गुड आफ्टरनून सर। देखिए स्टूडेंट, ये बहुत अच्छा एक हम लोगों के पास मौका है। एक है क्या, कई जगह पर कई सारी आप देखते हैं कई सारे पीसीएस के एग्जाम्पल, लेकिन बीपीएससी उनमें से बहुत डिफरेंट है स्टूडेंट। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि आप देखिए यदि हिस्ट्री की शुरुआत ही करें, ठीक है, हिस्ट्री की शुरुआत ही करें तो वही अपना बिहार से है, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है जब हिस्ट्री की शुरुआत ही बिहार से है, ठीक है ना, तो वहां से आपको कंटेंट ज्यादा अच्छे से मिल सकता है बिहार से रिलेटेड टॉपिक के लिए, ठीक। और देखिए स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर वो किया जाता है कि बीपीएससी का एग्जाम और पीसीएस के एग्जाम से बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर यदि देखें आप, जैसे कई स्टेट के पीसीएस में यदि आप देखते हैं, ठीक, कुछ हमारे हिंदी भाषी स्टूडेंट लोगों के लिए खासकर मैथ की प्रॉब्लम हो जाए करते, ठीक है, तो बिहार पीसीएस के एग्जाम में ऐसा कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक। बिहार पीसीएस को यदि आप देखें तो जस्ट एक पेपर है उसमें, ठीक है, जीएस का प्री वाला पेपर यदि आप देखें, 150 क्वेश्चन है। 150 क्वेश्चन में से आप समझिए कि लगभग 25 तो आपके यहाँ के, मतलब 25 आपके बिहार के ही लगभग क्वेश्चन होते हैं, ठीक। और बिहार के क्वेश्चन यदि आप बिहार की चीजों को अच्छे से कवर कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर अड्डा 24/7 पर बहुत अच्छे से इन सारे टॉपिक को कवर कराया जाएगा, तो बेहतर तरीके से बिहार वाले पार्ट को आप लोग करेंगे। फिर देखिए स्टूडेंट, वही लगभग 30 के अराउंड, ठीक है, 30 के अराउंड आपके करेंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं। और करेंट अफेयर के बाद यदि बात करें हम लोग बिहार वाले पार्ट से अलग और करेंट अफेयर से अलग, तो साइंस का आप यदि पिछली बार देखें तो 25 क्वेश्चन, उससे पीछे 20-22 क्वेश्चन, यानी ऑन एन एवरेज यदि देखें स्टूडेंट तो लगभग 20-25 के अराउंड आपके साइंस के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है ना। ये जस्ट अभी हम लोग स्टूडेंट प्री की बातें कर रहे हैं, ठीक। तो हर एरिया का वही 20-20-25-25 क्वेश्चन आप देखें, ठीक, तो उसके पूरा हम लोगों ने उस चीज के लिए पूरा एक सेटअप हम लोगों ने तैयार कर रखा है, ठीक, कि किस तरह से प्रॉपर मॉड्यूल हमने बना रखा है ताकि आप लोगों तक बेहतर तरीके से उन सब चीजों को पहुंचाया जाए। तो स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा आप इस पर जुड़े। और देखिए मेंस की यदि बात करें, ठीक, मेंस में यदि बात करें स्टूडेंट तो वहां पर हिंदी तो खैर भाई आपका क्वालिफाइंग है ही, हिंदी में 100 में से 30 मार्क्स आपको चाहिए, ठीक। रेस्ट जो बचा रहा वो आपका तीन पेपर हो जाता है, GS1, GS2 एंड आपके ऑप्शनल वाला, ठीक। GS1 में यदि बात करें 300 मार्क्स, GS2 300 मार्क्स था, और आपका मेन जो पेपर है, मेन आपका ऑप्शनल पेपर जो है वो भी 300 मार्क्स का, यानी आप कहें तो 900 मार्क्स का एक मेन्स का पेपर है हिंदी को अलग हटाकर, क्योंकि हिंदी सिर्फ क्वालिफाइंग है, 30 मार्क्स आपको लेने 100 में से, ठीक है। तो ये टोटल चीजें, एक बेसिक जानकारी आपको दिया, बाकी सबसे तो सर बहुत बढ़िया। तो शुक्रिया सर, आपने बताया क्या कैसे। प्रभाकर सर भी साथ जुड़ गए। प्रभाकर सर, हाँ सर, नमस्ते, नमस्कार। प्रभाकर सर अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ देखिए कैमरा पर क्या रहा है, उस पर क्लिक कर लीजिए, ऑन हो जाएगा। अरे आप नहीं बाहर है, बहुत ही प्रभाकर सर को बहुत मुश्किल से हम लोग जोड़ पाए हैं, ये गाँव गए थे, लेकिन हमने कहा बच्चों का सेशन है इसलिए आपको आना जरूर है। तो प्रभाकर सर, बिहार पीसीएस और झारखंड पीसीएस हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो बच्चों को कैसे आप मोटिवेट करेंगे, बच्चे कैसे सिलेक्शन लेंगे इस बार? हेलो हेलो शिवप्रिया सर, बहुत ही जल्दी स्टार्ट। शिवप्रिया सर आवाज आ रही है हमारी? हाँ आपकी आवाज आ रही है सर। हाँ ये गांव में है एक्चुअली, थोड़ा सा बाहर गए हुए हैं, आज अर्जेंट काम पड़ गया सर को, तो सर फिर भी हम लोगों के कहने पे साथ में, तो जब तक कनेक्ट नहीं हो रहा हम बता दें कि ये बिहार पीसीएस और झारखंड पीसीएस
जो पूरी तरीके से एक साइंटिफिकली डिजाइन कोर्स हम लोगों ने बनाया है। तो शिवप्रिया झा सर, कुछ झारखंड पीसीएस के बारे में बताइएगा। बिहार और झारखंड के बच्चे लगातार कमेंट कर रहे हैं, नेहा मैडम कर रही हैं, दीपक जी हैं, बहुत से स्टूडेंट हैं जो लगातार कमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। देखिए, जैसे अभी बिहार वाले पार्ट का बताया, तो झारखंड का थोड़ा सा सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, ठीक है। बाकी है तो ओरिजिन तो ऑब्वियस है, आप समझ रहे हैं बिहार वाला पार्ट ये, ठीक। तो थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि झारखंड के पेपर में, ठीक, जहां बिहार में आपको बताया कि लगभग 25 क्वेश्चन बिहार से रहते हैं, लेकिन झारखंड वाले पार्ट में वहां पर दो पेपर दिए जाते हैं। एक पेपर तो आपका पूरा झारखंड का ही कवर कर लेते हैं, ठीक है, और दूसरा आपका जो नॉर्मल जीएस वाला पार्ट का होता है, ठीक। तो वो भी पेपर स्टूडेंट आप समझिए, मतलब ये मेनली जीएस पर ही बेस्ड इन दोनों स्टेट के एग्जाम को आप कह सकते हैं, ठीक। जैसे आप यूपी वाले एग्जाम को देखें तो वहां आपका सीसेट वाला पार्ट रहता है, ठीक है ना। ये पार्ट बिहार झारखंड में आपको नहीं मिलता, तो ये बिहार और झारखंड के लिए सबसे अच्छी बात है। और यदि बात करें आप फिर से, यदि थोड़ा सा आपको बताएं बिहार वाले पार्ट के लिए, तो बिहार में स्टूडेंट देखिए, इस बार अभी सुनने में ये आया है कि काफी ज्यादा अच्छी वैकेंसी आ रही है, ठीक। तो ज्यादा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, और देखिए झारखंड वाले में पिछले चार सालों से आप देख ही रहे कि चार सालों से वैकेंसी नहीं आई, तो ऑब्वियस है यदि इस बार आती है झारखंड में वैकेंसी, तो वो लगभग नॉर्मली जो आप देखते हैं नॉर्मल जो 200-250 रहा करके, उससे काफी ज्यादा लगभग 800 या 1000 चरण आनी, और ऐसे ही बिहार वाले पार्ट में, ठीक है। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है। शुक्रिया सर, हमने सुना है 15 जुलाई के आसपास शायद नोटिफिकेशन आने का कुछ चल रहा है। हाँ सर, ये सुनने में तो आया है, आना तो था, बता दें स्टूडेंट्स को कि आना था ये जून में, ठीक, लेकिन ये कोरोना के कारण कई सारे एग्जाम भी जब पोस्टपोन हो गए, तो इसी कारण से इनको अब एक्सपेक्टेड है कि जुलाई के सिर्फ मिड से एंड तक में ये आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये और बहुत अच्छी न्यूज भी है हम लोगों के लिए कि चलिए पूरी अड्डा की टीम एक साइंटिफिक बनाया गया है, आपके लिए कोर्स डिजाइन करा गया है, तो स्टूडेंट मैक्सिमम आप लोग इससे जुड़ने की कोशिश करें। इसलिए जल्दी से हम एक बार बैच दिखा देते हैं बच्चों को भी, ये बैच कैसे ये लोग परचेज कर सकते हैं, एक बार मैं आपको दिखा दूं ये बैच और किस रेट में। बहुत ही सस्ते रेट में ये बैच अवेलेबल है आपके लिए। हमें कुछ नहीं करना है, हमें सीधे यहाँ पर जाकर के URL में लिखना है @247, और @247 में जाने के बाद हमें यहाँ ऊपर दो तरीके हैं, हम यहाँ पर UPSC में जाकर के और स्टेट PSC में चले जाते हैं, और स्टेट PSC में जैसे जाएंगे झारखंड और बिहार और UP तीनों का बैच लगा हुआ है, तो डायनामिक BPSC बैच पे हम क्लिक करेंगे। ये बिहार के बच्चों के लिए एक वरदान साबित होगा, बहुत ही शानदार बैच है। देखिए ये बैच अभी आपको दिखा रहा है 9,999 रुपए का, ये बैच बिहार PCS का बैच जो है, और इस पे हम ऑफर अगर लगाते हैं तो अभी की डेट में 75% मैजिक जादू चल रहा है, मैजिक 75% का ऑफर चल रहा है। और देखिए ये बैच मात्र 2,499 रुपए में हो जाएगा आपका, सिर्फ 2,499 रुपए खर्च करके ये बैच आपका हो जाएगा। डायनेमिक BPSC 2020 कंप्लीट बैच है ये, 13 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, एक शानदार बैच डिजाइन किया गया है। इसी तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार बैच, ये देखिए झारखंड का भी बैच लगा हुआ है, टारगेट झारखंड 2020 बैच है ये, इसमें भी सेम ऑफर अगर आप लगाएंगे झारखंड के बच्चों के लिए ये बेहतरीन ऑफर, यहाँ अप्लाई करेंगे मैजिक 75, जैसे ही मैजिक 75 अप्लाई करेंगे 2,499 रुपए का ये बैच हो जाएगा। तो ये देखिए बहुत ही शानदार तरीके से बेहतरीन बैच बना हुआ है। मैं बिहार के बच्चों को फिर से दिखाते हैं, स्वागत करते हैं बिहार और झारखंड के बच्चों का, और देखिए यहाँ पर देखिए ये डायनामिक BPSC 2020 कंप्लीट बैच जो 9,999 रुपए का है, और अभी जो ऑफर चल रहा है मैजिक 75 ऑफर लगाने पर ये बैच मात्र और मात्र 2,499 रुपए का मिल जाएगा। इस रेट में ये बैच कहीं भी नहीं मिलने वाला है। शिवप्रिया झा सर, आपने भी बिहार PCS की तैयारी की है, क्या इस रेट में कभी कोई बैच या ऑफलाइन सेटिंग मिल सकती है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं सर, और ये तो हम लोगों का और हमारी अड्डा की टीम का स्टूडेंट के लिए एक उपहार ही आप समझिए स्टूडेंट, ठीक है ना, क्योंकि इतने सस्ते रेट पर कहीं पर भी PCS, इवन यदि आप PCS का ऑफलाइन में आप करने जाते हैं तो अराउंड 70K करीब, ठीक, 70,000 के करीब आपको ले जाते हैं। तो स्टूडेंट ये एक बेस्ट डिजाइन किया गया है आप लोगों के लिए, अड्डा की टीम हमेशा रही है इसीलिए, जिसको एक बहुत ही सिंपल वे में सिंप्लीफाई वे में कर ये आपके लिए कोर्स को डिजाइन करके लाया गया स्टूडेंट। तो और ये बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है इस BPSC और JPSC वाले एग्जाम की प्रिपरेशन में, देखिए क्योंकि अभी ज्यादातर लोग घर में बैठे हैं, ज्यादातर लोग ये सोचने में लगे हैं बीमारी, ठीक, स्टूडेंट को क्या चाहिए इस टाइम पर कि ज्यादा से ज्यादा वो अपना फोकस ये करें कि भाई बीमारी बीमारी अलग थोड़ा सा हटाकर अपना फोकस यदि आप लगा लें, ठीक है, तो आपका एग्जाम इसी बार में बहुत अच्छे से क्लियर हो सके।
तो इधर डाइवर्ट होने की जगह बिल्कुल फोकस लगा दो आप अपना बिहार सीसीएस और झारखंड सीसीएस पर। देखिये बहुत बढ़िया, एक शुक्रिया झा सर ने बताया। प्रभाकर झा सर हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आ रहा है उनका, लेकिन निश्चित रूप से कल या परसों मैं प्रभाकर झा सर को और पूरी टीम को लेकर के यहाँ पर आऊंगा और आप सबको बताऊंगा कैसे बिहार पीसीएस और झारखंड पीसीएस में आप सिलेक्शन लेंगे। बिहार पीसीएस की वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है, झारखंड पीसीएस जो कि 3-4 साल से वैकेंसी नहीं आई है वो भी वैकेंसी आने वाली है। तो एक बात, जो लॉकडाउन का टाइम है जहां आप घर पे बैठे हुए हैं उस समय का सदुपयोग कीजिए, तैयारी करिए हमारे साथ, हम कंप्लीट तैयारी आपको कराएंगे, प्री की तैयारी हो जाएगी, उसके बाद आने वाले टाइम मेंस के बैचेस भी लाएंगे, तो एक बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी कराई जाएगी बिहार पीसीएस की और झारखंड पीसीएस की। तो आज ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लेंगे, आज हमने बता दिया है केवल क्या क्या चीजें हैं, अगली बार आप जब आएंगे तो पूरे सिलेबस पर डिस्कशन होगा और प्रभाकर सर और नितिन सर और सुप्रिया झा सर सारे सर लोग साथ में लेकर के आएंगे और एक बेहतरीन तरीके से आपको बताया जाएगा कैसे बिहार पीसीएस और झारखंड पीसीएस में सिलेक्शन किया जा सकता है। तो शुक्रिया झा सर, कल परसों को हम लोग फिर से सेशन बनाएंगे एक बार। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, पूरा सिलेबस, पूरा डिजाइन, पूरा ग्राफिक अलग अलग करके हम बताएंगे बच्चों को कि कैसे सिलेक्शन लिया जाए। तो गाइज थैंक यू सो मच, आप लोग हमारे साथ जुड़े और जल्द ही हम लोग आप लोगों को बिहार पीसीएस और झारखंड पीसीएस से जुड़ी हुई बारीक जानकारियों के साथ आपके पास आएंगे और एक एक करके आपको अपडेट करते रहेंगे। तो बिहार पीसीएस और झारखंड पीसीएस का बैच अवेलेबल है, उसको परचेज कीजिए, उसकी तैयारी करनी शुरू कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सर।